गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर हर वर्ष की भांति इस साल भी देवेंद्र डबास उर्फ बांके पहलवान ने नजफगढ़ पे ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर बुजुर्गों का मान सम्मान किया गया है पगड़ी बांध करके, और यहां देशभक्ति से ओतप्रोत रागणियों का कार्यक्रम है। विशाल भीड़ उमड़ पड़ी है। आज बात करेंगे सीधे भाई देवेंद्र डबास जी से, बांके पहलवान जी से। सबसे पहले तो आपको बधाई, आज गणतंत्र दिवस पर इतनी भारी भीड़ यहाँ उमड़ी है, बुजुर्गों का सम्मान किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा था जी, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस होता है और मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करूंगा पत्रकार जी, आप पधारे और 26 जनवरी का आपने गरिमासम जी और बुजुर्गों का सम्मान करते, हमारे माता पिता ने यही सिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया है, हमारी परंपरा चलती आई रहे और बुजुर्गों का सम्मान होता रहे और कोई जी। और देखिए, बुजुर्गों का सम्मान आज भारत का राष्ट्रीय पर्व है, साथ साथ उसके भारत देश के उस महान संस्कृति के वाहक बुजुर्गों का यह सम्मान किया जा रहा है देवेंद्र डबास उर्फ बांके पहलवान के द्वारा। जानना चाहेंगे, गुरुजी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे? भव्य आयोजन है, ऐतिहासिक आयोजन है, पगड़ी बांध करके सम्मान किया जा रहा है। वास्तव में ये इस देश की संस्कृति का एक निर्वहन है और मैं ये मानता हूँ कि बुजुर्गों का सम्मान है तो हमारी संस्कृति कायम है। विनु जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गणतंत्र जी की शुभकामना देता हूँ। हमारे बांके पहलवान जी काफी 25-30 साल से बुजुर्गों के सम्मान के लिए 26 जून को हमेशा कार्यक्रम करते हैं और मैं पूरे देश के किसान भाइयों को, दिल्ली प्रदेश के किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ जी। किसान सम्मेलन में उमड़ पड़ी है भारी भीड़ और ये किसान सम्मेलन जहाँ दूर दराज से लोग पहुंचे हैं, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा प्रदेश से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ और पहलवान जी का बहुत बहुत करता हूँ। हमारे बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं और लगातार बहुत सालों से करते आ रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बाकी पहलवान जी को बधाई देना चाहूँगा कि एक दिल्ली के एक नजफगढ़ छोर है, उसमें एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो लगातार 25 वर्षों से करा रहे हैं, ये अनूठा कार्यक्रम है जिसमें किसानों को पगड़ी बांधकर सम्मानित करते हैं, अपने हाथों से पगड़ी बांधकर सम्मानित करते हैं जी। प्रीत जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं श्री बांके पहलवान जी हैं, ये जो 25 सालों से जो ये कार्य कर रहे हैं, ये एक देश की धरोहर है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान है उसको बरकरार रखे हुए हैं। मैं पहलवान जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, अपने कैमरे की नज़र से आप देखिए, विशाल भीड़ उमड़ पड़ी है, यहाँ पर अपार जनसमूह है, यहाँ पर तमाम बुजुर्ग लोग पगड़ी बांधे हुए हैं और गणतंत्र दिवस इस राष्ट्रीय पर्व को बड़ी धूमधाम से यहाँ पर नजफगढ़ की इस धरा पर मनाया जा रहा है। सदियों तक याद किया जाएगा बांके पहलवान द्वारा बुजुर्गों के सम्मान को, वो बुजुर्ग याद करेंगे जो अपनी भावी पीढ़ी को देंगे किस प्रकार से हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।